हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट माइंड्स में। सो आज का टॉपिक है प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एंड देन डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीपीके, एंड ऑफ कोर्स पीपी एंड पीपीके। कैसे कैलकुलेट करते हैं सीपी एंड सीपीके को, विद एग्जांपल हम इसको समझेंगे, एंड इम्प्रूव कैसे करना है सीपी एंड सीपीके को। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार IATF रिक्वायरमेंट्स पे नज़र डालते हैं। ऑल दो IATF स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे तो SPC के रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट यहाँ पर मैंने जस्ट टेकन अ फ्यू एग्जांपल्स कि अगर हम 8.5.1.1 कंट्रोल प्लान की बात करें तो उसमें भी स्टेट्स की बात करता है, 9.1.1 में बात करें उसमें भी स्टेबल एंड अनस्टेबल प्रोसेस के बारे में बात करता है, एंड 9.1.1.2 में बात करें तो भी ये कहता है आइडेंटिफाइड करो स्टैट्स के टूल्स जो आप यूज़ करेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ IATF ऑल्सो। सो अवर नेक्स्ट इज, पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, हमारा प्रोसेस क्या चीज़ होता है। सो होप बहुत से आप में से जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेस क्या चीज़ है, बट स्टिल जस्ट टू रिकॉल, प्रोसेस होता है इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है, डिजायर्ड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट्स कैन बी माई इक्विपमेंट्स, मैथड्स, मैन पावर, मटीरियल। सो एक प्रोसेस जो इन इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करता है टू द डिजायर्ड आउटपुट, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। एक एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अ ऑर्गेनाइजेशन कोई वैकेंट पोजीशन है, एंड देयर आर ऑफ कोर्स सम इनपुट्स टू फिल दैट वैकेंट पोजीशन, और एक प्रोसेस काम करेगा जो उन इनपुट्स को लेके ट्रांसफॉर्म करेगा डिजायर्ड आउटपुट में। सो इनपुट्स कैन बी अवर रिज्यूम, रिकमेंडेशंस, वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, मे बी एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड पोर्टफोलियो ऑफ जॉब्स। सो इन सब इनपुट्स को जो प्रोसेस है वो कंसिडर करते हुए इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और आउटपुट देगा जॉब इज फिल्ड, मींस जो कैंडिडेट उस वैकेंट पोजीशन के लिए रखना था उसको रख लिया। नाउ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, सो दिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ बिग पिक्चर। प्रोसेस इज ऑलवेज कॉल्ड अ बिग पिक्चर। एक डेली लाइफ से एग्जांपल समझते हैं। इनपुट है एक फ्रूट और हमें उसका जूस बनाना है, तो आउटपुट हमें क्या है, जूस चाहिए। सो एक प्रोसेस बीच में काम करता है जो ट्रांसफॉर्म करेगा उन फ्रूट्स को जूस में कन्वर्ट करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब प्रोसेस में बहुत सारे सब प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। सो इन अ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम मेनली प्रोसेसेस की बात करें, तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेल्स एक अलग प्रोसेस होता है, मार्केटिंग एक अलग प्रोसेस होता है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट अलग प्रोसेस है, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, टूल मैनेजमेंट। और एक अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हो सकता है बहुत सारे प्रोसेस मिलाकर एक प्रोसेस मिले। फॉर एग्जांपल, वी कैन से सेल्स एंड न्यू डेवलपमेंट, तो इट इज़ अ वन प्रोसेस। मे बी प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, और प्रोडक्शन के अंदर ही टूलिंग है और प्रोडक्शन के अंदर ही मेंटेनेंस है, मींस प्रोडक्शन वाला ही रिस्पॉन्सिबल है टूल्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए, बट वी कॉल दैट प्रोसेस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि हमें उसमें कितने प्रोसेसेस आइडेंटिफाइड करने हैं। वंस वी आइडेंटिफाइड द प्रोसेस, देन वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड कैपेबिलिटी क्या चीज होती है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू प्रोड्यूस पार्ट्स विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो एक बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, मीन्स इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू मीट कस्टमर स्पेसिफिकेशंस। वी आर क्लियर अबाउट द प्रोसेस एंड कैपेबिलिटी ऑल्सो। नाउ हेयर कम्स अ प्रोसेस कैपेबिलिटी। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है? प्रोसेस कैपेबिलिटी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ अ प्रोसेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस पार्ट्स विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। लाइक कोई भी हमारा प्रोसेस है उसमें हमारी एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, एंड
टारगेट होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट की गई है डॉटेड लाइन से। जितने भी पार्ट्स लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर होंगे तो ऑफ कोर्स वो डिफेक्टेड पार्ट्स हैं। सेम वे जितने पार्ट्स अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर होंगे वो भी डिफेक्टेड पार्ट्स हैं। द पार्ट्स विच आर विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स दोज आर कॉल्ड गुड पार्ट्स। आइए अब अंडरस्टैंड करते हैं एनालिसिस पार्ट को, ये जानने के लिए कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है, हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर है और गुड पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कंसिडर करते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट्स। स्पेसिफिकेशन लिमिट जो होती हैं वो होती हैं वॉइस ऑफ कस्टमर, जो कि कस्टमर हमें देता है, ऑफ कोर्स डिफाइंड बाय कस्टमर ओनली। एंड कस्टमर क्या चाहता है कि व्हाट इज प्रोसेस सपोज टू डू, वो आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट एज पर हिज स्पेसिफिकेशन लिमिट देना चाहिए, जिसके लिए हम कंसिडर करते हैं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। कंट्रोल लिमिट जो होती हैं डेट इज कॉल्ड वॉइस ऑफ प्रोसेस, ये कैलकुलेट की जाती हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको समझेंगे। ये कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करती हैं व्हाट द प्रोसेस इज डूइंग इन एक्चुअल, क्या वो कैपेबल है या नहीं, और इसके लिए हम कंसिडर करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। इसके लिए एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक वी हैव गिवन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, कंट्रोल लिमिट्स एंड टारगेट स्पेसिफिकेशन। सपोज किसी कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस हैं 20 ± 2 mm, सो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट इज 22 एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट इज 18 mm। अगर पार्ट्स हमारे इनके बीच में हैं, स्पेसिफिकेशन बीच में हैं, तो वो गुड पार्ट्स हैं। अगर स्पेसिफिकेशन के बाहर हैं, चाहे वो अपर स्पेसिफिकेशन के बाहर हों या लोअर स्पेसिफिकेशन के बाहर हों, दे आर NG पार्ट्स। कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, वो बहुत से फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर देते हैं। मेन मोटिव है आपके कंसेप्ट क्लियर होना, तो उस पर फोकस कीजिएगा। इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हम टू इंडिसेस यूज करते हैं, CP CPK, NPP PPK, ये जानने के लिए कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये CP CPK PP PPK है क्या, और कहाँ हमें CP यूज़ करना है एंड कहाँ हमें PP यूज़ करना है। सो अगर हम बोलें तो जब हम CP CPK मेयर करते हैं तो वी टेक सैंपल, मींस कोई प्रोडक्शन चल रही है और उसमें से हम 5 samples या 10 samples पिक कर लेते हैं। सो वी कॉल्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। और जब हमें प्रोसेस परफॉर्मेंस मेयर करनी होती है तो हम एक पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, मींस PP नॉर्मली वहाँ यूज़ होता है कि जहाँ पर कोई प्रोसेस बिल्कुल नया होता है या हमें उसको देखना होता है कि हमारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यू प्रोडक्शन हो, कोई नया प्रोसेस हो जिसका हमारे पास कोई पुराना हिस्टोरिकल डाटा नहीं होता है। सो वी टेक लार्ज सैंपल्स टू अंडरस्टैंड वेरिएशन कितनी है। और PP हमें ये नहीं बताएगा कि हमारा पास्ट में प्रोसेस कैसा था, ना ही वो प्रेडिक्ट करेगा कि फ्यूचर में कैसा है, बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट इन स्टेट ऑफ कंट्रोल, वो प्रोसेस बिल्कुल नया है। तो हम PP पे फोकस करते हैं, वी कैलकुलेट PP एंड PPK। लेकिन CP एंड CPK हम तब कैलकुलेट करते हैं जब देयर इज अ ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस और जो कि एक स्टेबल है एंड कैपेबल है। CP और CPK हमें बताएगा कि फ्यूचर में हमारा प्रोसेस कैसे प्रेडिक्ट करेगा। CP CPK को शॉर्ट टर्म स्टडी कहा जाता है, PP PPK को लॉन्ग टर्म स्टडी कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सैंपल्स हम CP में शॉर्ट कम लेते हैं इसलिए उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, PPK में बड़े ज़्यादा सैंपल्स लेते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म कहते हैं। नो, इट्स नॉट अ बेस, इट इज़ अगेन अ कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्री। सिग्मा कैलकुलेशन के बेस के ऊपर होता है, बिकॉज जब CP कैलकुलेट होता है, CPK कैलकुलेट होता है, सो वो सब ग्रुप से सब ग्रुप में वेरिएशन नहीं कंसिडर करता, वो सिर्फ विद इन सब ग्रुप की वेरिएशन को कंसिडर करता है। एंड PP PPK जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा इज वेरी बिग, उसमें हम विद इन सब ग्रुप और बिटवीन सब ग्रुप
सारी वेरिएशंस कंसीडर करते हैं, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म स्टडी कहा जाता है. सो बोथ मेयर्स हाउ वेल द डाटा फिट्स इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स मीन्स यूएसएल एंड एलएसएल और सीपी और पीपीके, ये दोनों मेयर करते हैं हाउ सेंटर द आवर डाटा इज. जो के होता है ना वो स्टैंड करता है सेंट्रलाइजिंग फैक्टर के लिए. ये इंडेक्स टेक केयर करता है कि प्रोसेस सेंटर्ड और नॉट. सीपीके हमें बताता है कि व्हाट अ प्रोसेस इज केपेबल ऑफ डूइंग इन फ्यूचर अज्यूमिंग इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. सो आइए समझते हैं कि अब सीपी सीपीके को कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो सीपीके का सीपी का फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय सिक्स सिग्मा. मींस ये एक रेशियो है ऑफ द स्पेसिफाइड टॉलरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स टू द नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन. और नेचुरल प्रोसेस वेरिएशन को हम कंसिडर करते हैं सिक्स सिग्मा. सो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम बोलें और सिग्मा बोलें इज अ सेम थिंग. तो जितना सिग्मा छोटा होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, उतना हमारा प्रोसेस कैपेबल होगा. तो यहाँ पर आप दो प्रोसेसेस देख सकते हैं. प्रोसेस वन कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी हाई मीन्स फैलाव जो है बहुत ज़्यादा है, और दूसरा प्रोसेस है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है. ये दोनों अपर स्पेसिफिकेशन और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिफाइन की गई हैं. सो इनके बाहर अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो वो एनजी प्रोडक्ट गिना जाता है, और अगर वो विद इन स्पेसिफिकेशन रहता है तो डेट इज़ अ गुड प्रोडक्ट. बट फैलाव कितना है प्रोसेस का वो बहुत मैटर करता है. एज आई सेड कि जितना फैलाव कम होगा, जितना सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, उतनी हमारी प्रोसेस की कैपेबिलिटी अच्छी होगी. नाउ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सीपीके. सीपीके को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, सीपीके अपर एंड सीपीके लोअर. तो सीपीके अपर का फॉर्मूला है यूएसएल माइनस मीन डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, एंड लोअर का फॉर्मूला है मीन माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा. सो इनमें से जिसका भी वैल्यू लेस होगा, अगर सीपीके अपर का लेस है तो हम वो कंसीडर करेंगे, और अगर सीपीके लोअर का लेस है तो हम वो कंसीडर करेंगे. हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं, या प्रोसेस कैपेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें अपने प्रोसेस की शेप पे ध्यान देना है कि हमारा प्रोसेस की शेप कैसी है, हमारे प्रोसेस का स्प्रेड कैसा है मींस फैलाव कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा भी बोल सकते हैं, एंड हमारा प्रोसेस सेंटर है या नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड अ कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज. अगर हमारे प्रोसेस में अगर कॉमन कॉज सिर्फ प्रेजेंस है, देन वी कैन से कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टेबल ओवर टाइम एंड हमारा प्रोसेस इज प्रेडिक्टेबल. लेकिन अगर हमारा प्रोसेस में कोई स्पेशल कॉज प्रेजेंस है तो हमारा प्रोसेस इज नॉन प्रेडिक्टेबल. जैसे कि आप टॉप का प्रोसेस देखेंगे जो कि ग्रीन कलर में है, तो इसमें सिर्फ कॉमन कॉजेज हैं. जब कॉमन कॉजेज होंगे तो प्रोसेस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसे बिहेव करेगा. लेकिन जो बॉटम वाला प्रोसेस है जो कि रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, आप देखिए कभी शेप कुछ है, सेकंड स्टेप पे शेप कुछ हो गई, थर्ड स्टेप पे शेप कुछ हो गई. सो इट इज़ नॉन प्रेडिक्टेबल बिकॉज इसमें स्पेशल कॉज की प्रेजेंस है. अगर हम कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज को अंडरस्टैंड करें तो वो कॉजेज जिसको हम ईजिली आइडेंटिफाइड कर पाएँ डेट आर स्पेशल कॉज, और जिनको हम ईजिली आइडेंटिफाइड ना कर पाएँ वो उनको हम कॉमन कॉज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक आदमी ऑफिस डेली 8 बजे आ जाता है, तो कभी वो 8 बजे आता है, कभी 8:05 पे आता है, कभी 8:10 पे आता है, कभी 8:02 पे आ जाता है. तो इट इज़ अ कॉमन कॉज जिसको हम ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि वो 4 या 5 सेकेंड या 8 सेकेंड क्यों लेट हुआ. लेकिन अगर वही आदमी एक दिन 9 बजे पहुंचा तो हम ईजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि यार ये तो 8 बजे आ जाता है, आज ये 1 घंटा लेट आया 9 बजे, तो वट इज़ द रीज़न, वो स्पेशल कॉज होता है. या 8 बजे की बजाय वो 6 बजे ही ऑफिस में आ गया, तो मींस प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कॉज,
कुछ ना कुछ रीज़न होता है, मीन्स हम ईजिली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करें तो कोई डाई हमने गलत लगा दी हो तो इट इज़ अ स्पेशल कॉज, ऑपरेटर का सेटअप इज़ नॉट ओके एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं है, डेट इज़ ऑल्सो स्पेशल कॉज, जिनको हम ईजिली आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस कैपेबिलिटी डिटरमाइन करने से पहले हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स कंसिडर किए हैं। मीन्स वी डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड्स कॉमन कॉज एंड स्पेशल कॉज। अगर कॉमन कॉज प्रेजेंस होंगे सिर्फ तो हमारा प्रोसेस स्टेबल है एंड प्रडिक्टेबल है, लेकिन अगर उसमें स्पेशल कॉज प्रेजेंस होंगे तो डेट इज़ नॉट अ स्टेबल प्रोसेस। तो अगर ऐसा प्रोसेस हो तो हमें उसको कैपेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करनी है, पहले प्रोसेस को स्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। देन शेप कैसी है हमारे प्रोसेस की, इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स बेल शेप कर्व्ड होनी चाहिए एंड सैम्पल्स हमें लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स लेने हैं, मिनिमम 100-150, डेट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं विद अ एग्जांपल। लेट्स टेक अ रेस्टोरेंट जिसमें एक टी सर्व होनी चाहिए बिटवीन 48 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 58 डिग्री सेंटीग्रेड पे व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जो प्रोसेस है वो टी को एक करेक्ट टेम्परेचर पे रखता है एंड प्रोसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मीन वैल्यू है फॉर दिस टेम्परेचर इज 52। सो हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या होगी, सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट जो कि 58 डिग्री, मतलब 58 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर और ना ही 48 डिग्री से कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है जो कि हमारा प्रोसेस का फैलाव है डेविएशन एंड मीन वैल्यू इज 52। सो जब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं इन वैल्यूज़ को, सो व्हाट वी गेट CP वैल्यू एज 0.833 एंड CPK एज 1 एंड 0.67, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि CPK की वैल्यू निकलती है जो लोअर निकलती है अपर CPK और लोअर CPK में से, जो भी लोअर वैल्यू होगी लेस वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर 0.67 इज अ लोअर साइड, इट मीन्स अगर आप प्रोसेस को देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर गया है टूवर्ड्स लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। अब जितने भी पार्ट्स हमारे प्रोड्यूस होंगे वो स्पेसिफिकेशन से बाहर जाएंगे, सो इट मीन्स प्रोसेस इज नॉट कैपेबल। मिनिमम वैल्यू जो एक्सपेक्टेड होती है CPK की वो 1.33 होती है, अगर CPK वैल्यू 1 हो तो इट मीन्स स्पेसिफिकेशन लिमिट और कंट्रोल लिमिट्स का जो फैलाव है वो एक जैसा ही है, दोनों बॉर्डर पर हैं, तो कभी भी नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी एग्जांपल को थोड़ा रिफाइन करके देखते हैं, सेम रेस्टोरेंट है, सेम स्पेसिफिकेशन है 48 डिग्री एंड 58 डिग्री एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर कम हो गया, मीन्स फैलाव जो है कम हो गया 1 डिग्री का एंड मीन वैल्यू इज 54। तो अगर हम इन वैल्यूज के साथ अगेन कैलकुलेट करते हैं अपनी कैपेबिलिटी तो इट कम्स CP हमारा 1.67 आ जाता है एंड CP के अपर एंड CP के लोअर, सो CP के अपर कम्स 1.33 एंड CP के लोअर कम्स 2.0, मीन्स हमारा प्रोसेस का फैलाव कम है तो जो CP के अपर आया वो लो है और CP के लोअर है वो बड़ा हाई है, तो हमें लोअर लेना होता है तो हम कंसिडर करेंगे CP के 1.33 ओनली, जो कि हमारा सेंटरिंग ऑफ द प्रोसेस बताता है एंड 1.33 एज आई सेड इज एक्सेप्टेबल एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स, सो ये हमारा प्रोसेस इज ओके, कैपेबल प्रोसेस है। ऑल्दो जो प्रोसेस है अपने मीन से शिफ्ट है टूवर्ड्स अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट बट विद इन कंट्रोल लिमिट्स है और फैलाव भी ज़्यादा नहीं है, सो मीन्स अगर कोई कंट्रोल लिमिट के बाहर भी प्रोडक्ट गया वो फिर भी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर ही रहेगा, मीन्स कस्टमर एंड पे रिजेक्ट नहीं होगा, सो दिस प्रोसेस इज कैपेबल प्रोसेस। फ्रेंड्स आइए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कार एंड गैरेज की दीवारों का।
आई होप इस एग्जांपल से आपके कंसेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो स्पेसिफिकेशन विड्थ इज नथिंग बट जो हमारी गैरेज की दीवारें हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज नथिंग अवर कार, मीन्स हमारा प्रोसेस जो है कार है जो कि सिक्स सिग्मा में मूव करता है प्रोसेस, एंड स्पेसिफिकेशन विड्थ इज गैरेज की दीवारें। सो लेट्स सी एग्जांपल। अब हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो व्हाट डज इट सेज, ये क्या बताता है कि जो हमारा स्पेसिफिकेशन लिमिट है और कंट्रोल लिमिट के बीच में कंफर्टेबल गैप है, मीन्स हमारा प्रोसेस में वेरिएशन तो है, वेरिएशन कांट बी एलिमिनेटेड, लेकिन वो एक स्पेसिफिकेशन लिमिट और कंट्रोल लिमिट के बीच में इज अप टू द मार्क, मीन्स अगर हमारा प्रोसेस लेफ्ट एंड राइट को शिफ्ट भी होता है तो भी हमारे कोई नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर यहाँ पर हम कार की बात करें तो हमारा प्रोसेस डैमेज नहीं होगा, मीन्स उसको स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। बट अगर हम सेकंड डायग्राम जो कि सेंटर का डायग्राम है उसको कंसिडर करेंगे तो हमारे कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में हार्डली कोई गैप है। सो इसमें अगर हमारा प्रोसेस वेरी करता है, वेरिएशन किसी रीजन से बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो हाई चांसेस हैं कि हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर हो जाए, आइदर लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और उसके कारण नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमारा थर्ड डायग्राम जो कि एक्सट्रीम राइट में है, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो व्हाट डज इट शोस, ये शो करता है कि हमारी कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट एक ही हैं। तो अगर हमारा प्रोसेस में ज़्यादा वेरिएशन आती है या हल्की सी भी वेरिएशन आती है, तो जैसे कार गैरेज की दीवारों से टकरा रही है, उसी तरह हाई चांसेस हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस जो है वो नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करेगा जो कि स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जाएंगे एंड रिजेक्ट हो जाएंगे। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल जो कि आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि आपकी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट्स एक ही हैं, तो जब प्रोसेस में वेरिएशन होगी तो हमारा प्रोसेस कहीं भी शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट साइड को एंड राइट साइड को, और वो फिर डैमेज होगा, डैमेज मीन्स नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। बट ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है राइट हैंड साइड में, इसमें हमारा प्रोसेस की जो वेरिएशन है वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स है एंड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है, तो उसके कारण अगर हमारा प्रोसेस लेफ्ट को या राइट को शिफ्ट भी होता है तो भी वो नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कंट्रोल लिमिट के तो बाहर हो सकते हैं बट स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर होंगे, मीन्स कस्टमर एंड पे रिजेक्ट नहीं होंगे। आप नोटिस करेंगे तो पहले प्रोसेस में सीपी वैल्यू इज कमिंग एज 1 एंड दूसरे प्रोसेस में सीपी वैल्यू इज कमिंग एज 2, मीन्स हायर द वैल्यू बेटर द प्रोसेसेस। एंड फर्दर अगर आप प्रोसेस को देखें, फर्स्ट प्रोसेस इज सेंटर्ड तो उसमें सीपी एंड सीपी के इज कमिंग एज 1.33 एंड एज आई सेड कि इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं कि मिनिमम 1.33 हो तभी वो प्रोसेस केपेबल माना जाता है। एंड जो बॉटम में एग्जांपल है डायग्राम है उसको कंसीडर करेंगे तो अब जैसे हमारी कार एक साइड को शिफ्ट हो गई है तो उसकी वैल्यू सीपी के जब अपर हम लोअर कैलकुलेट करेंगे तो जिस साइड को वो शिफ्ट हो जाएगा उस साइड की सीपी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.83। एंड एज ए सेइंग अगेन एंड अगेन कि मिनिमम 1.33 होना मस्ट है, 0.83 विल एक्सप्लेन कि हमारा प्रोसेस केपेबल नहीं है। सो अगर आप डायग्राम में भी देखें तो हमारा प्रोसेस जो है शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, मीन्स कि हमारे बहुत से पार्ट्स अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर जाएंगे जो कि एनजी प्रोडक्ट होंगे और कस्टमर एंड पे जाके रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर हैं। आई होप एंड विश डेट आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी सीपी वर्सेस सीपी के, स्टिल इंडस्ट्री में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसका कि सीपी एंड सीपी के में क्या है। सो एज ए सेट कि सीपी तो सिर्फ बताता है फैलाव कि टोटल स्प्रेड ऑफ ओवर प्रोसेस क्या है, एंड सीपी के इंडिकेट करता है सेंटर कि हमारा प्रोसेस सेंटर से कितना शिफ्ट है मीन वैल्यू से। सो अगर सीपी और सीपी के दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है,
इट मीन्स द प्रोसेस इज सेंटर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेसिफिकेशन लिमिट, और अगर सीपी के लेस देन सीपी है तो इट मीन्स प्रोसेस जो है वो ऑफ सेंटर्ड है, और अगर सीपी के इज ग्रेटर देन सीपी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज सीपी के कैन नेवर एक्सीड सीपी, अगर सीपी के जो है आपका 0.5 है तो आप ध्यान कीजिए, रिकॉल कीजिए जो हमने गैरेज और कार की बात की थी, अगर सीपी के 0.5 है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी कार जो है दीवारों को हिट कर जाएगी, टकरा जाएगी, एंड अगर हमारा सीपी के जो है इक्वल टू 1 है तो हमारी कार जो है गैरेज की दीवारों को टच करते हुए ज़रूर निकलेगी, मीन्स चांसेस हैं कि नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, सीपी के अगर 0.5 है तो 100% नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर सीपी के की वैल्यू हमारी नेगेटिव है इट मीन्स हमारा प्रोसेस जो है रेगुलरली जो हमारी कार है वो गैरेज की दीवारों से टकराती हुई ही निकलेगी, कोई चांस ही नहीं है कि बिना स्क्रैचेस के निकल पाए, इट मीन्स हमारा प्रोसेस टोटल आउटसाइड स्पेसिफिकेशन लिमिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक नॉर्म्स हैं वो कंसीडर करके चलती है कि 1.33 एज अ गोल एज अ बेंचमार्क, सो बट लेटेस्ट नॉर्म्स कहीं कस्टमर्स की अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी देखें तो कई कस्टमर डिमांड करते हैं कि सीपी के वैल्यू शुड बी मिनिमम 1.33 या 1.66 और 1.67, इवन कई कस्टमर तो आज की डेट में मिनिमम 2.0 एक्सपेक्ट करते हैं एज अ सीपी के विच इज इक्वल टू 6 सिग्मा वैल्यू। अगर हमारा सीपी एंड सीपी के वैल्यू इज बैड, मींस इट इज़ लेस देन 1.33, तो हमें प्रोसेस के ऊपर बहुत से काम करने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हमें आइडेंटिफाइड करना है कि उसमें कोई स्पेशल कॉजेज तो नहीं है। स्पेशल कॉजेज कैन बी गुड एंड कैन बी बैड ऑल्सो, अगर वो गुड हैं तो उसको हमें प्रोसेस का पार्ट बनाना है, अगर वो बैड हैं तो उन स्पेशल कॉजेज को निकालना है, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ अवर प्रोसेस, ताकि हम वेरिएशन को कम से कम लेकर आएँ ताकि हमारा सीपी के वैल्यू इम्प्रूव हो। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स फैलाव जितना होगा कम होगा उतना हमारा सीपी के वैल्यू अच्छा जाएगा, तो जो हमारा सीपी के वैल्यू बेटर लाने का मोटिव है उस मोटिव के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो प्रोसेस है शुड मूव टूवर्ड्स मीन वैल्यू, जो हमारी टारगेट वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, उसका अगर हम मोटिव रखकर चलेंगे कि हमारा प्रोसेस मीन वैल्यू से आसपास रहे, सेंटर से ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, तो हमारी सीपी की वैल्यू अच्छी आएगी, बेटर। बेटर मीन्स मिनिमम 1.33 तो हम अचीव करेंगे एंड आवर गोल इज़ टूवर्ड्स मिनिमम 2। फर्दर एज अ कंक्लूजन अगर हम बात करें तो एनी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो कैपेबल भी नहीं है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए। सो कोई भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी मेजर करने से पहले मेक श्योर कि प्रोसेस स्टेबल हो, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स कि उसमें स्पेशल कॉज ना हो और प्रेडिक्टेबल प्रोसेस हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ स्टेबल प्रोसेस, एंड वंस द प्रोसेस इज स्टेबल तो उसकी हम कैपेबिलिटी मेजर कर सकते हैं एंड इट कैन मीट द कस्टमर नीड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आल्सो। इन सिंपल वर्ड्स स्टेबिलिटी जो है वो कैपेबिलिटी से पहले आती है, सो डैट इज़ वॉट वी नीड टू इंश्योर। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट्स हों, कोई क्लैरिफिकेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, and do subscribe our channel because it will motivate us to put more and more such videos. Thanks being with us.